स्वागत है। आज हम बनाएंगे ट्रेडिशनल महाराष्ट्रीयन मोदक, लेकिन थोड़े से अलग टाइप से। इसकी स्टफिंग थोड़ी अलग होगी। तो इसके लिए मैंने लिया है ये ग्रेटेड नारियल, पिसी हुई चीनी, ये मिल्क पाउडर, केसर और इलायची पाउडर। और कवर के लिए हमें चाहिए ये चावल का आटा, जितना आटा हमने लिया है उतना ही पानी, थोड़ा सा दूध और नमक। पहले हमें ये पानी लेना है, इतना आटा है इतना ही पानी लिया है मैंने। गैस चालू करेंगे। अब इसमें हम डालेंगे एक छोटा बोल, छोटा सा बोल, वो भी आधा लिया है मैंने दूध। दूध से इसका कवर बहुत ही सॉफ्ट होगा। और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ मैं टेस्ट के लिए। ये दूध उबल रहा है तो हम इसमें डालेंगे ये चावल का आटा, ये बासमती चावल का आटा है, इसके हम चलाएंगे इसको। जब तक ये मिक्स ना हो जाए इसको चलाना है, तो 2 से 4 मिनट लगेंगे। से
ऐड करेंगे इसके ऊपर। जितना पतला चाहिए उतना प्रेस कीजिए। ज़्यादा वाला हम निकाल देंगे। प्रेस करना है, निकाल देना है। ये दूसरे तरीके से मैं दिखाती हूँ। इसको बंद करेंगे, ज्यादा वाला आटा निकाल देंगे, ऊपर का भी निकाल देंगे। अब इसमें हम स्टफिंग भरेंगे हाथ से। देखिए तैयार है हमारे मोदक। तो मैं गैस बंद कर देती हूँ, इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे हम लोग, फिर इस प्लेट में निकाल देंगे।
ट्रेडिशनल मोदक अलग वे से, आप इसे जरूर बनाइए। अगर आपको ये पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स मुझे जरूर कीजिए। थैंक यू।